Very, very, very happy Teachers' Day to all my respected professors. I am Rak Tiwari, behalf of all the fourth year students. यहाँ पे मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है. गुरु की अहमियत हम सबके लाइफ में बहुत ही होती है, उसको मैंने शब्दों के माध्यम से पिरोने का प्रयास किया है. आई होप आप सबको पसंद आएगा. जो मैं कहने जाऊंगा वो सिर्फ हमारे गुरु नहीं बल्कि हमारे गुरु के जो गुरु हैं उनके लिए भी ये बात सटीक बैठेगी, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है. गुरु की अहमियत हमारे लाइफ में बहुत ही ज्यादा होती है, और अगर कोई गलती होती है तो आपका ही एक अबोध बालक हूं, क्षमा प्रदान करिएगा. यहां मैं शुरू करता हूं. गुरु एक दर्पण के समान है. गुरु एक दर्पण के समान है जो हमारी गलतियों को कुछ इस कदर दिखाता है कि उन गलतियों को सुधारने का एहसास हमें खुद ब खुद हो जाता है. गुरु की महिमा का बखान करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है. इस बात का मुझे भली भांति ज्ञान है. गुरु की महिमा का बखान करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है. इस बात का मुझे भली भांति ज्ञान है. लेकिन जब किसी ने मुझसे पूछा, ऐसे ही मैं बैठा हुआ था, किसी इंसान ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे हिसाब से गुरु क्या है, मैंने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया. गुरु वो साया है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा. गुरु वो साया है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा. और मेरा यकीन माने दोस्त, वो तेरी मंजिल मिलने तक तेरा साथ निभाएगा, तेरा साथ निभाएगा. गुरु वो इंसान है जो तेरी कामयाबी में तुझसे भी ज्यादा खुश नजर आएगा. मेरा यकीन माने दोस्त, वो तेरे सफल होने के बाद ही दम पाएगा. किसी भी शिक्षक को खुशी तभी मिलती है जब उसका एक शिष्य कामयाब हो जाता है. गुरु वो कुम्हार है. यहाँ पे मैंने गुरु की उपमा कुम्हार से की है, समझने का प्रयास करिएगा. गुरु एक कुम्हार है जो तुम्हारे जीवन को ऐसा आकार दे जाएगा. मेरा यकीन माने दोस्त, वो तुझे एक बेशकीमती कलाकृति बनाकर रख जाएगा. गुरु तुझे इतना सक्षम बनाएगा कि तेरी लाइफ में आने वाली सारी मुसीबतों का सामना तू खुद ब खुद कर पाएगा. गुरु हमारे जीवन का वो हिसाब है जिसका कर्ज हम सब कभी जीवन में अदा नहीं कर पाएंगे, जिसका कर्ज तू कभी अदा नहीं कर पाएगा. मेरा यकीन माने दोस्त, इस जीवन में तो क्या, अगले 7 जन्मों में भी तू उसका जीवन में मकान नहीं कर पाएगा, उसका बखान नहीं कर पाएगा. गुरु तुझे तरासेगा और ऐसे निखार जाएगा. मेरा यकीन माने दोस्त, तुझे खुदा और गुरु में फर्क समझ नहीं आएगा. मेरा यकीन माने दोस्त, खुदा से पहले भी तू गुरु का बखान करना चाहेगा. यूं तो गुरु भी एक आम इंसान है हमारी आपकी तरह, लेकिन हमारे लिए कहां वो भगवान से कम है, तो इसलिए वो हमारे लिए भगवान है. गुरु का कर्ज चुकाना हमारे लिए नहीं आसान है. और गुरु के बिना हमारा जीवन एक बंजर भूमि के समान है. जैसे बंजर भूमि में खेती नहीं हो सकती, हरियाली नहीं आ सकती, हमारे जीवन में गुरु के बिना हम कुछ कर नहीं सकते, हम कामयाब भी नहीं बन सकते. अंत में कुछ पंक्तियों के साथ आपको छोड़ना चाहूंगा. गुरु और हमारा रिश्ता एक अलग ही एहसास है, समझने का प्रयास करिएगा. गुरु में हमें अपने माता पिता तो उनके बच्चे नजर आते हैं. गुरु और हमारा रिश्ता एक अलग ही एहसास है, और उनके बिना हमारा जीवन कहां कुछ खा सके. गुरु शब्द में प्यार छुपा है, फटकार छुपी है, एक अलग सा एहसास छुपा है. गुरु शब्द में सारे जीवन का सार छुपा है. गुरु शब्द में तेरा भविष्य और आज छुपा है, और गुरु ही वो स्याही है जिसने तेरा कल यानी कि बीता हुआ कल और आज लिखा है. और यकीन माने दोस्त, गुरु ही वो स्याही है जिसने तेरा कल और आज लिखा है और उसने यकीन माने दोस्त तेरा कल यानी कि आने वाला कल सरदार लिखा है सरूप रखा जाता है उसको. और इस शिक्षक को कभी भी उससे ज्यादा खुशी नहीं मिलती कि उसका जो शिष्य उससे भी आगे निकल जाए. तो इसके साथ ही मैं अंत में आप सबसे थैंक यू कहना चाहूंगा. थैंक यू ऑल माय रिस्पेक्टेड प्रोफेसर्स. मैं आज अगर कहीं भी स्टैंड कर पाऊं अपनी लाइफ में तो वो सिर्फ आप लोगों की बदौलत है, मेरे शिक्षकों की बदौलत है. और लाइफ में अगर मैं कुछ बनता भी हूं तो उसमें आप सबके आशीर्वाद की बदौलत ही बनता हूं. अंत में हमारी हर छोटी और बड़ी गलतियों को नजरअंदाज करने के लिए शुक्रिया. हमें हमारी खामियों से ज्यादा हमारी अच्छाइयों को देखने के लिए शुक्रिया. हमारे लाइफ में हमारे डायरेक्शन को बताने के लिए शुक्रिया. थैंक यू.
थैंक यू अनुराग सर. अब गिफ्ट के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम आमंत्रित करना चाहेंगे